माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह हिमालय के पर्वतीय इलाके में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे माता वैष्णो देवी के पूजन के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त वार्षिक यात्रा के लिए आते हैं। वैष्णो देवी की कहानी पुराणों में मिलती है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का एक अंश शक्ति के रूप में आवर्तन हो गया था और वह एक योगिनी के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए व्रत रख रही थी। योगिनी का नाम त्रिकुटा था और वह अपने तपस्या में इतनी विकल्पों में गहरी थी कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उन्हें तीन अपेक्षाएं पूर्ण करने का वरदान दिया जो सबसे शक्तिशाली हो, जबकि उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उनकी स्थिति का बहुत आदर करते हुए उनकी आदित्य भक्ति को भी माना। एक दिन भगवान राम सीता और लक्ष्मण उनके पास आए और उन्होंने त्रिकुटा से मांग की कि वह उनके साक्षात दर्शन करें। त्रिकुटा ने उनकी पूजा की और उन्हें देवी के रूप में दर्शन हुआ। उन्होंने राम से विवाह की प्रार्थना की और राम ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। कुछ समय बाद राम ने उन्हें भिक्षा मांगने का आलम्ब किया और सीता ने उसे भिक्षा मांगने के लिए निकलने का निर्णय किया। राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास का आरंभ किया और उन्होंने त्रिकुटा की सेवा की। त्रिकुटा ने उन्हें सिद्ध करने के बाद वह उनकी इच्छा पूरा करने का व्रत मांगा और मांगने के बाद उन्होंने उन्हें एक रूप में प्रकट होने का वरदान दिया जो ज्यादातर वैष्णो माता देवी के रूप में पूजा जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर वैष्णो देवी उस स्थान पर स्थित है जहां उन्होंने तपस्या की थी और उनके पूजने का यहां पर्वतीय इलाका है। माता वैष्णो देवी की यात्रा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है और लाखों भक्त हर साल इस स्थान पर दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वतीय इलाके में स्थित है। मंदिर का स्थान बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 12 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को वैष्णो देवी यात्रा कहा जाता है और यहाँ भारत में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। यात्रा का आरंभ जम्मू के कटरा से होता है जहाँ से भक्त पैदल या मोटरसाइकिल गाड़ियों का इस्तेमाल करके मंदिर पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर में तीन पवित्र गुफाएं हैं जिन्हें भक्तों को प्रवेश के लिए पहले ही आगे पंजीकृत कराना पड़ता है। इन गुफाओं का नाम है गर्भजून, भैरव गुफा और श्री क्षेत्र गुफा। माता वैष्णो देवी मंदिर को समर्पित क्षेत्र को सुरक्षित रखने और भक्तों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। मंदिर के पास हवन कुंज नाम का स्थान है जहां भक्त अग्नि पूजा करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिदिन कई बार पूजा और आरतियां होती हैं जहां भक्त आकर माता की कृपा का आभास करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। माता वैष्णो देवी की मूर्ति रंग बिरंगी है और उनकी आंखों में कोई पत्थर नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि से भक्तों को किसी भी स्थान से देख सकती हैं। इसके लिए एक लाइक तो होना चाहिए जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों को चना, रुई और श्रृंगार सामग्री का प्रसाद मिलता है जिसे पंचमृत कहा जाता है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए जम्मू से माता वैष्णो देवी तक हेलीकॉप्टर की सेवा भी चलती है। इससे भक्तों को पैदल यात्रा की जरूरत नहीं होती। यात्रा के हिस्से में एक पथ जिसे पथरी पथ कहा जाता है हिमाचल प्रदेश से जम्मू के त्रिकुट पर्वतीय इलाके तक जाता है। यह पथ अपने पथ पर पत्थरों की भरमार के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इसी तरह की जानकारी और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।